देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ एक बार फिर कावेंद्र चौहान, और एक बार फिर वही कहानी लेकर आया हूं जो मैं हमेशा सोचता था कि अब शायद ना आए। मैंने इस पर अभियान चलाया लगातार, इस पर एक के बाद एक प्रोग्राम किए, एक के बाद एक कार्यक्रम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज एक बार फिर मैं आपके सामने वैसी ही एक कहानी लेकर दोबारा आ गया। दर्शकों, इस बार की कहानी बहुत ज्यादा शर्मनाक, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर फेमिनिस्ट की जो स्यूडोनेस है उसने हमला किया है हमारे सेना के जवानों पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक लड़की ने, जो सड़क के बीचों बीच खड़ी फोन पर किसी से बातें कर रही थी, पीछे से सेना की गाड़ी आई और वो लड़की नशे में टुल थी, नशे में धुत थी, और इस नशेड़ी लड़की ने सेना की गाड़ी पर लात चढ़ाई। ये सच है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस नशेड़ी ने सेना की गाड़ी पर लात मारी, और ये रुकी नहीं, इसने लगातार बार बार लात मारी, जिसके बाद हमारी सेना के जवान को नीचे उतरना पड़ा। वो बाहर आए और उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन फेमिनिज्म के नशे में चूर, शराब के नशे में चूर इस लड़की ने, इस मोहतरमा ने कुछ नहीं देखा और सड़क के बीचों बीच सेना के जवान को धक्का दे दिया। इस लड़की ने अपने जीवन काल में वो कोई काम नहीं किया होगा जो एक सेना का जवान सरहद पर खड़े होकर एक मिनट के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर करता है। इस लड़की ने अपने जीवन काल में उतना सोचा नहीं होगा जितना सेना का जवान सरहद पर रहकर सोचता समझता है। और ये लड़की बेवकूफ, नशे में चूर, एक मॉडल कहती है खुद को, जो दिल्ली से ग्वालियर पहुंची थी अपने किसी काम के लिए। ऐसा बताया गया कि ये ग्वालियर में आई हुई थी, दिल्ली की मॉडल साहिबा है मैडम, और मॉडल साहिबा के दिमाग में, इनकी फितरत में इतना ज्यादा नारीवाद घुसा हुआ है, इतना ज्यादा सूडो फेमिनिज्म घुसा हुआ है कि इस औरत ने, इस महिला ने, इस लड़की ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये जिसकी गाड़ी पर लात मार रही है वो मेरे देश का गौरव है। जिस लड़की ने ये भी ना सोच पाया वो किस बात की नागरिक इस देश की, जो मेरे सेना के जवान पर इस तरीके से सरेआम बीच चौराहे बीच रोड पर हमला करती। जहां दूसरे देशों में, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, बाकी तमाम कंट्रीज की बात करें, जहां पर सेना के जवानों को सैल्यूट किया जाता है, वो जिस जगह से भी निकलते हैं उनको सलाम किया जाता है, सैल्यूट किया जाता है, उनको इस तरह का सम्मान दिया जाता है। और एक मेरा देश जहां पर कश्मीर से इस तरह की तस्वीरें आती थी, लेकिन आज यह तस्वीर ग्वालियर से आई, और यह टल्ली, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी लड़की मेरे सेना के जवान की गाड़ी पर लात मारेगी। इसकी इतनी हिम्मत, और इस हिम्मत को देने वाला कौन है? इस हिम्मत को देने वाले हैं हम और आप जैसे लोग। और इस हिम्मत की वजह से पीड़ित कौन? पीड़ित भी इसी की तरह लड़कियां, इसी की तरह महिलाएं, वही पीड़ित हैं, क्योंकि जो लोग सच में पीड़ित हैं उनको भी फिर संदेह की नजर से देखा जाता है। और इस लड़की ने जो कारनामा किया है उसके लिए इसको कोई सजा कानून के द्वारा नहीं दी जा सकती। इसको जितना ज्यादा नेम एंड शेम किया जाए वो कम होगा, क्योंकि इस लड़की ने वो काम किया है जो काम कोई देश का नागरिक सपने में भी नहीं सोच सकता। इस देश के जवानों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। इस देश के जवान अगर कहीं से निकलता है तो उसको सल्यूट करने की बात की जाती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी खड़े होकर सेना के जवानों के सामने सल्यूट करता है। और ये दिल्ली की आई गई कल की परसों की मॉडल ग्वालियर में पहुंचती है, नशे में चकनाचूर होती है, और ये सोचती है कि ये सेना के जवान की गाड़ी में लात मारेगी और यूं ही चली जाएगी। ये वही प्रियदर्शिनी यादव है, लखनऊ वाली, जो अब ग्वालियर में दूसरे रूप, दूसरे चेहरे के साथ सामने आई है। और यहां पर इसने अपना एक और गंभीर रूप दिखाया है, जहां लखनऊ में एक आम आदमी को थप्पड़ पे थप्पड़ उछल उछल कर बरसाए गए थे, वही रूप एक और बार एक अन्य चेहरे के साथ सामने आ गया है। जैसा मैं बार बार कहता हूं, समस्या सिर्फ इस खबर से नहीं है, समस्या जड़ों में है, समस्या फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म से है, जहां पर इनको ऐसा लगता है कि बीच चौराहे किसी को मारो, कूटो, जलील करो, जो करो,
इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और इनके पास इतनी पावर दी गई है, इनके पास इतनी ताकत है, ये बिना कुछ सोचे समझे किसी पर भी हाथ चला देते हैं। और सोचिए उसी चीज का शिकार आज हमारी सेना को भी होना पड़ता है। जो सेना जिसकी शौर्यता यह है कि वो दूसरे देश के जो आक्रमणकारी हैं उनको घसीट कर फेंक देती है, उनको उठाकर उल्टा टांग देती है और सीमाओं से खदेड़ देती है, उसके सामने ये चूहिया, ये दिल्ली से आई एक चूहिया रूपी लड़की, नशे में टल्ली, नशे में धुत, ये आकर उनकी पुलिस की गाड़ी पर लात रख रही है। इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी औकात सिर्फ इस वजह से है कि यह लड़की है, वरना मजाल है किसी की जो हमारे देश के सेना के जवान पर इस तरीके से हरकत कर सके, उसके सामने इस तरीके से हमारे सेना के जवान को धक्का दे सके, इस तरीके से हमारे सेना के जवान की गाड़ी पर लात मार सके। ऐसी तस्वीरें आपने देखी जो देश के अंदर से कहीं दिखी। कश्मीर में वो आतंकी हैं जो हमारी देश की सेना के साथ ये करते हैं और हमारी देश की सेना उनको मुकम्मल जवाब देती है, पहले सुधारती है, सुधरते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर मुकम्मल जवाब मिलता है। लेकिन देश के अंदर किसी कोने से ऐसी तस्वीर पहली बार आई है जहां पर सूडो फेमिनिज्म का नशा करके सड़क पर बेतहाशा घूम रही है लड़की, हमारी देश के सेना के जवान के साथ इस तरह का सलूक करती है। और ये चीजें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक इन चीजों को बर्दाश्त किया जाए। कई लोग सोचते होंगे कि यह इतनी बड़ी खबर नहीं कि प्राइम टाइम में ली जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पर वही कार्यक्रम करता हूं जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके। मैं किसी पार्टी का एजेंट बनकर काम नहीं करना चाहता कि हां ठीक है कांग्रेस से इतने विधायक क्यों भाग गए, बीजेपी में यह क्या कुछ हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यह सब राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम जो हर जगह चल रहे हैं, आप कहीं भी जाकर इनको देख सकते हैं, हर दूसरे टीवी चैनल आपको यही बता रहे हैं। लेकिन जो चीजें समाज के बीच में फैली हुई हैं, जो चीजें समाज में बदलाव लानी चाहिए, जिन चीजों में, उन चीजों पे कार्यक्रम करना भी उतना ही आवश्यक है। और इसी आवश्यकता को देखते हुए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां लखनऊ में प्रियदर्शनी यादव ने जो कुछ किया उसी का यह एक और एक्सट्रीम रूप है, जो हमारे सेना के जवानों को धक्का देने से, जो हमारे सेना के जवानों को लात उनकी गाड़ी पर मारने तक की हिमाकत कर देते, ये उसी का एक्सट्रीम रूप है। इसीलिए इन चीजों पर बार बार मैं चोट करता हूं, इन चीजों को बार बार दर्शकों आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप समझें कि किस तरह से ये लोग हमारे बीच में हैं और किस तरीके से ये लोग इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी घटना हुई है और क्या है पूरी चीज, इसको समझने के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है, जिस पैकेज के जरिए आप समझ सकेंगे कि आखिर मामला क्या है। इस रिपोर्ट को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट लखनऊ की थप्पड़ गर्ल तो आपको याद ही होगी, बिल्कुल होशो हवास में उसने कैब ड्राइवर को दे थप्पड़ मार लगाई थी। उसकी इस हरकत की पूरे देश में चर्चा रही। भारत एट नाइन पर भी इस मुद्दे को लगातार उठाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उस लड़की की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब ऐसा ही एक और मामला देखने को मिला है, जहां एक लड़की ने सारी सीमाओं को तोड़ते हुए बीच रहा सेना की गाड़ी पर ही लातें चलाती, और ये सब माजरा लोगों के बीच हुआ। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की ये पूरी घटना है, जहां पर नशे में धुत एक लड़की ने बेशर्मी की सारे पहाड़ लांग दिए। इस लड़की ने नशे की हालत में ये भी नहीं देखा कि सामने और कोई नहीं बल्कि सेना के जवान हैं। और फिर क्या, नशे में धुत लड़की ने बीच रोड सेना की गाड़ी पर लाते चलाना शुरू कर दिया। लातों की बरसात में गाड़ी का एक हिस्सा भी टूट गया, जिसके बाद गाड़ी के अंदर से सेना का एक जवान निकलकर बाहर आया और उसने बहुत ही संयम के साथ उस लड़की से सामने से हटने के लिए कहा, लेकिन बदतमीजी के गुबार में डूबी लड़की ने
सेना के जवान की भी बात को सुनना जरूरी नहीं समझा। जवान से ही बदतमीजी करने लगी, जिसको देख वहां मौजूद लोगों ने साफ कह दिया कि आप परेशान मत होइए, हम इस लड़की का पूरा वीडियो बना रहे हैं। पूरी घटना की बात करें तो नशे में टल्ली होकर इस लड़की ने बीच सड़क पर खूब हंगामा किया। लड़की ने सेना की जीप को रोक लिया और इस पर लात मारी। ये देखकर सेना का जवान गाड़ी से बाहर निकला और लड़की को रोकने की कोशिश करने लगा। लड़की ने उसे भी बदतमीजी की और सैनिक को धक्का दे मारा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 8 सितंबर का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर लड़की खूब हंगामा कर रही है, सड़क पर भीड़ लगी हुई है। वो सेना की एक जीप के सामने खड़ी हो जाती है, फिर उसमें लात मारने लगती है। सैनिक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो उसने उसको धक्का मारकर दूर कर दिया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उसे कैमरे में कैद कर लिया। हंगामा बढ़ता देख लोगों ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि महिला ने नशे में बीच सड़क पर हंगामा किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि सेना की ओर से इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर लोग इसकी तुलना लखनऊ गर्ल से कर रहे हैं, जिसने एक कैब ड्राइवर सादत अली की पिटाई कर दी थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लखनऊ से भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की कैब ड्राइवर को खूब मारती दिखी थी। बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी बीच में आते हैं, लेकिन महिला फिर भी नहीं रुकती और कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारती रहती है। तो इस बार ग्वालियर की इस घटना में साफ दिख रहा है कि इंसानियत को शर्मसार कर रही इस लड़की को कोई रोकने की कोशिश नहीं कर सका, जैसा कि हमको लखनऊ कांड में देखने को मिला था। और आए दिन ऐसी ही तस्वीरें कहीं ना कहीं से सामने आती रहती हैं। कहीं वीडियो बन जाती है और मुद्दा गर्मा जाता है, तो कहीं बात वहीं की वहीं दबी रह जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है, ये भीड़ उस महिला को, उस लड़की को रोकने की कोशिश क्यों नहीं जुटा पाती, जो भीड़ एक पुरुष को ऐसी हरकतें करते देख सामने आ जाती है और रोक लगा देती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज जाने लगता है और जो महिलाएं सच में पीड़ित हैं, उनको भी संदेह की निगाहों से देखा जाने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से, क्या आपको छुआ है? ये सब ग्वालियर की तस्वीरें हैं, ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहां पर हमारे सेना के जवान के साथ किसी ने इस तरीके की कोशिश, करतूत करने की कोशिश की। ये तस्वीरें ग्वालियर की है जहां पर इस महिला ने ये बवंडर काटा, इस महिला ने इस तरीके से हंगामा काटा, क्योंकि इसके पीछे बैकअप था फेक फेमिनिज्म का, इसके पीछे बैकअप था उस नशे का जो शराब में डूबा हुआ है, जो फेमिनिस्ट की आड़ में डूबा हुआ है। तो इस पूरे नशे के बवंडर के चलते इस नशेड़ी लड़की ने सेना के जवान के सामने इस तरीके की गुस्ताखी करने की कोशिश की। लेकिन आज एक बार और इस घटना ने यह चीज लाकर सामने रखती है कि क्यों, आखिर क्यों इन जैसी घटनाओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, कि आखिर क्यों इन जैसी घटनाओं पर कोई मुकम्मल और लास्ट, एक कॉफिन में जो लास्ट कील डाली जाती है, वैसा नहीं किया जाता। इन जैसी घटनाओं में क्यों हम बार बार या तो मजाकिया हो जाते हैं, या आई गई खबर बना देते हैं,
या फिर बहुत छोटे से शब्दों में कह देते हैं कि वहां की वायरल वीडियो है। लेकिन सोचना जरूरी है कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है। वजह जो है वो आपको अभी एक रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें। सबसे पहले बेंगलुरु चलते हैं। बेंगलुरु में दर्शकों एक मामला हुआ था, आप सभी को पता होगा, जहां पर जोमैटो डिलीवरी बॉय पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने उसको घूंसा मारा। लेकिन कुछ समय के बाद ही पता लगा कि दरअसल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले लड़की ने उस पर अटैक किया और अपने बीच बचाव के दौरान जब उस लड़के ने अपना डिफेंड किया, खुद को अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो लड़की के खुद ही चोट लगी, ये निकलकर सामने आया। पूरी घटना जब दोबारा सामने आ गई तो लड़की फुर्र करके उड़ गई महाराष्ट्र, वापस भाग गई। मामला वहीं शांत। अगर चीज खुलकर सामने ना आती तो वो जो कामराज था, वो लड़का कहां का कहां पहुंच जाता, कोई सोच भी नहीं सकता था। सरबजीत का मसला तो हर किसी के सामने है, जिसको दिल्ली का दरिंदा बताने में मीडिया ने कुछ मिनट या कुछ घंटे ही लिए होंगे, जहां पर उसको 4 साल बाद जाकर न्याय मिल सका। क्योंकि 4 साल पहले 2015 में एक लड़की ने यह कह दिया कि यह लड़का मोलेस्ट कर रहा था मुझे, और बस सबके सब ट्रेन बनकर, सबके सब रेल बनकर उसके पीछे चल पड़े। और चलने का यह घाटा हुआ कि वो लड़का बेचारा इतने सालों तक एक दिल्ली का दरिंदा नाम से घूमता रहा, न्याय के लिए ठोकरें खाता रहा, भटकता रहा। उसकी नौकरी चली गई, फादर को उसके बहुत ज्यादा क्लिनिकल प्रॉब्लम्स रही, मेडिकल प्रॉब्लम्स रही, उसका परिवार सब कुछ, रिश्तेदार फोन करके बोलते थे कहाँ है भाई, लोगों के घर जाता था, लोगों के दोस्तों के पास जाता था, तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो थी सामने आती थी। उस लड़के का पूरा जीवन नर्क। 4 साल बाद पता क्या लगता है कि लड़की छूट, दैट्स इट, खत्म, कुछ भी नहीं। मतलब एक लड़की ने एक पुरुष की 4 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ नहीं। एक लड़की ने बेंगलुरु में झूठा आरोप लगा दिया उस बेचारे की, जोमैटो से पहले तो नौकरी ही जाने वाली थी, ये बोलो किस्सा समझ में सामने आ गया तो बच गया, लेकिन क्या हुआ उस लड़की का, कुछ भी नहीं। लखनऊ में बीच चौराहे पर सरेआम ट्रैफिक पुलिस के सामने एक लड़की ने 22 थप्पड़ मारे एक लड़की, और क्या हुआ उसका, कुछ भी नहीं। ऐसी तमाम चीजें निकलकर बार बार सामने आती रहती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बताता है कि कितने ही रेप केसेस के फर्जी मामले सामने आते हैं, कितनी चीजें सामने आती हैं। तो जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट अलग तरीके का है भाई। वो पीवी सिंधु वाला विमेन एम्पावरमेंट है, वो सानिया मिर्जा वाला है, वो मीराबाई चानू वाला है। इस तरीके के विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। नशे में घूम के सड़क पर लात चलाना विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, इट मेक्स यू अ क्रिमिनल। आप क्रिमिनल हैं और ऐसे क्रिमिनल मेंटेलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो लड़ाई है कि अगर यही काम किसी पुरुष ने किया होता, किसी पुरुष ने अगर एक लड़की के 22 थप्पड़ मारे होते जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको जेल होती, किसी लड़के ने अगर किसी लड़की पर झूठा आरोप लगाया होता, उसको 4 साल तक बदनामी के समंदर में रहना पड़ता, तो उस लड़के को आज जेल होती। इस लड़की ने जो कुछ किया है उसको बेल है, इसको जेल नहीं है। सेना की गाड़ी पर लात चलाना एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि हम जैसे लोग, हम जैसे करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो हमारे सर्वोच्च सम्माननीय लोग हैं, और उन पर इस तरीके की हरकत करने की जरूरत बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। और ये सब क्यों है, ये सब उस नशे की वजह से है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। क्योंकि लड़की नशे में थी, लड़की ने मदिरा पान कर रखा था, ये तो सबको दिखा, लेकिन लड़की ने एक और पान कर रखा था, एक और नशा है जो उसके जो हरकतों से वो दिख रहा था। तो ये पैकेज जो है इसको देखिए और समझिए कि उस लड़की ने कौन सा नशा ऐसा है जो कर रखा था। इस रिपोर्ट को देखिए तो सही। फेमिनिज्म, ये ऐसा शब्द जो ना सिर्फ आज की तारीख में कई लोगों के लिए सिर का दर्द बन चुका है, बल्कि अधिकतर लोगों को तो इसका असली मतलब भी नहीं पता। और मजेदार बात ये है कि इसमें उनका कोई दोष भी नहीं। आखिर इस फेमिनिज्म शब्द का राज पहले मुर्गी आया या फिर अंडे की ही तरह है, जिसमें लोग ये समझ ही नहीं पाते कि विरोध किस बात का करना है और किसका नहीं। और फिर इस शब्द का लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब इसके असली मतलब क्या है, ये खुद ही किसी रॉकेट साइंस की तरह का कठिन सवाल बन गया है। चलिए तो हम सारे झंझट को खत्म कर देते हैं
और आपको बताते हैं कि आखिर फेमिनिज्म वास्तव में है क्या। आप तो जानते ही हैं कि ये स्त्री और पुरुष के बीच के प्राकृतिक अंतर को दरकिनार करते हुए समान अधिकारों की बात करता है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चाहे जो भी हो जाए, पुरुष और महिला बराबर है। हालांकि ये उतना भी आसान नहीं है। कभी कभी जब महिलाएं बराबरी की बात करती हैं तो ये भूल जाती हैं कि हर चीज हमारी ही सुविधा के अनुसार नहीं है, हमारी सुविधा अनुसार नियम और शर्तों को लागू नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए फेमिनिज्म शब्द का उपयोग करने से क्या साबित होता है। स्यूडो फेमिनिस्ट यानी आप फेमिनिस्ट होने का दिखावा करते हैं। हम यहाँ फेमिनाजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या बातें आपको दिखावटी फेमिनिस्ट बताती हैं, आइए जानते हैं। तो फेमिनिज्म का नाम पर फेक होना बंद होना होगा। फेमिनिज्म का दिखावा करने वाले कभी फेमिनिज्म वाले काम नहीं करते। बहुत मुमकिन है कि आपने शहर में हुए हर विरोध में हिस्सा लिया हो, गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाए हो, लेकिन क्या इतने से आप एक फेमिनिस्ट हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते और सिर्फ अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो खुद ब खुद आप एक दिखावटी फेमिनिस्ट बन जाते हैं। आपको समान अधिकार चाहिए, है ना? तो फिर क्यों ना इस लड़ाई को हकीकत में लड़ा जाए। सिर्फ कहने भर के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ना असली लड़ाई नहीं होगी। गंदगी साफ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना होगा और उसे साफ करना होगा। अपने आसपास के सेक्सिज्म से आंखें मूंद लेना। अगर आप अपने परिवार में, यहाँ तक कि खुद में गहरे तक पैठ जमाए सेक्सिज्म की अनदेखी करते हैं तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप दिखावटी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्सिज्म आखिर है क्या। जब आपका बॉयफ्रेंड या आपके दोस्त आपको कहते हैं कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, तो क्या आप उनका विरोध करते हैं? या फिर क्या आप ऐसी बातों को हंसी मोड़ा देती हैं या चुपचाप उनकी बात से सहमत हो जाती है? क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखती है? हम समझ सकते हैं कि ऐसी बात सिर्फ एक मजाक है जिसे मजाक के रूप में ही लिया जाना चाहिए, लेकिन हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि सेक्सिज्म कभी भी मजाकिया नहीं होता। जब आप ऐसी चीजों पर हंसते हैं तो दरअसल आप समाज की उस गहरी सोच में अपना योगदान करते हैं जिससे ये त्रस्त है। चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त या फिर खुद आप, सेक्सिज्म सेक्सिज्म ही होता है। आपको याद तो होगा ही जब इवांका ट्रंप ने महिलाओं के मुद्दे पर अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था, तब बहुत गुस्सा आया होगा ना। इसलिए इवांका ट्रंप मत बनिए। सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पर किसी भी बात पर उंगली ना उठाए। मान लीजिए कि आपकी गर्ल गैंग ना सिर्फ इसलिए आपका मजाक बनाया क्योंकि आप सेक्सी कपड़े नहीं पहनती, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी सेक्सिस्ट बयान नहीं है। लेकिन अगर आपने उस बात को दिल पर ले लिया और जवाब में कहा लेकिन दोस्त ये फेमिनिज्म नहीं है, तो आपने अपना मजाक खुद ही बना लिया। आपको पता है कि ये सिर्फ एक फैशन के लिए सलाह थी। हो सकता है कि ये सलाह कुछ कठोर लहजे में दी गई हो, लेकिन इसका मकसद आपको नीचा दिखाना कतई नहीं था। चलिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। क्या आपने कभी किसी को किसी महिला का मजाक बनाने या उस पर भद्दे कमेंट करने के लिए झाड़ लगाई है, लेकिन शर्टलेस आदमियों के लिए खुद वही कमेंट आपने पास किए हो? अगर हाँ, तो यही होता है फेमिनिज्म का दिखावा करना। अगर आपको लगता है कि महिलाओं के शरीर को लेकर भद्दे कमेंट करना गलत है, तो उसी तरह पुरुषों के शरीर पर भी कमेंट करना गलत है। दूसरे की पसंद आपकी पसंद से ना मिले तो दिखती। एक मजबूत स्वतंत्र महिला होने का मतलब हम समझते हैं जो अपनी रोटी खुद कमाती है और इस पर गर्व करती है। लेकिन अगर कोई महिला गृहिणी होना चुनती है तो उसे एक कमतर महिला नहीं माना जा सकता। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप दूसरों के पसंद नापसंद के बिना पर उनके बारे में अपनी राय बनाते लगते। ये पूरी तरह से उनका फैसला है कि आपने लिए वो गृहिणी बनना पसंद करती है फिर या फिर एक कामकाजी महिला हो। सिर्फ इसलिए कि उसकी पसंद आपके पसंद से मेल नहीं खाती, वो गलत साबित नहीं हो जाती। आपको पता होगा कि हर किसी को अपना करियर बनाने लायक पढ़ाई नसीब हो जरूरी नहीं। कुछ लोग जितना चाहें उतनी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन नौकरी करना नहीं चाहते, ये भी उनकी ही पसंद है। हाँ, अगर कोई उन्हें उनकी नौकरी छोड़ने के लिए विवश करता है तब दिक्कत है। पुरुषों के भी रेप होते हैं ये बात मानने से इनकार करना, ये भी दिखावटी फेमिनिज्म है। जी हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पुरुषों के भी बलात्कार होते हैं। भले ही कानून की नजरों में ये सच्चाई ना हो, लेकिन पीड़ित के लिए ये कड़वी सच्चाई है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यौन अपराध किसी जेंडर के द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं।
इसी तरह अगर कोई पुरुष रोता है या फिर अपनी भावनाओं को दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। आखिरकार हमारे यहाँ महिलाओं की तरह पुरुषों पर भी एक डिफाइंड तरीके से रहने और व्यवहार करने का दबाव होता है, इसलिए अगर कोई पुरुष संवेदनशील नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। वो भी हर इंसान की ही तरह आम इंसान है और उसे भी अपने ढंग से व्यवहार करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए अब आगे से आप पर पागल मत बनिए और फर्जी फेमिनिज्म के झंडे मत बुलंद कीजिए। इस शब्द को समझे, इसके बारे में थोड़ा पढ़े और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किसी हथियार की तरह प्रयोग ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, ये रिपोर्ट जो आपने देखी ये समझाने के लिए थी कि जैसे शराब की बोतलों में नाम होते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस पर्टिकुलर आदमी ने, इस पर्टिकुलर औरत ने इसका सेवन कर रखा है, ये इसके नशे में, उनके नाम निर्धारित होते हैं। लेकिन हमारे बीच में पनपते ही जो लोग हैं, ये थर्ड वायरस जो आने वाले की बात हो रही है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और इन पर चोट करना बहुत ज़रूरी है। वरना खबरें तो तमाम हैं, खबरें तो राजनीतिक हैं, कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, कि कैसे इतने सारे विधायक, 170 विधायक 2016 से लेकर 2021 तक इस पार्टी से पता नहीं किस किस पार्टी में चले गए, बीजेपी में क्या कुछ हलचल है और इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस में कैसे आपस में ही फूट पड़ी हुई है, उत्तराखंड में कैसे कांग्रेस तमाम यात्राएं कर रही है लेकिन निकल कर कुछ सामने नहीं आ रहा, साउथ क्या राहुल गांधी अपनी स्थिति मजबूत कर पाए, ये तमाम सवाल हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं। और सो ये मीडिया वाले आपको लेफ्ट का दिखाएंगे या आपको राइट का दिखाएंगे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा वादा करता हूं कि मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करता हूं कि जिससे समाज में अगर रत्ती भर भी बदलाव आ सके तो मैं इसमें अपने आप को खुशनसीब समझूंगा और ऐसे ही मुद्दों पर आपसे लगातार बात करता रहूंगा, क्योंकि भारत एट नाइन में सिर्फ वो ही चलता है जो आप तय करते हैं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।